आंखें बंद रखो, कानों से सुनो मत बहरे हो जाओ, जुबान से बोलो मत गूंगे हो जाओ। तो पुत्र को जी जाते ही पता लग गया था ये औरत की जा फिर आज के एक मर्द की भी यही कहानी। ये जो कंट्रोवर्सी का ट्रेंड चला है ना, कहेंगे गंदा बोलेंगे, कितनी गंदी से गंदी गालियां निकालेंगे, तो ये नेक्स्ट लेवल की। वेलकम टू माई चैनल डिम्पल व्लॉग। सो कैसे हो आप सब लोग, एकदम बढ़िया, नमस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। और आजकल YT की ओर से तो गर्मी, वैसे तो इंडिया में बहुत गर्मी पड़ रही है इस समय, दिल्ली में भी, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आता कि YT की ओर से ऐसी कौन सी गर्मी चली है, जहाँ गर्म हवाएं ऐसी चली हैं कि सब ओर से मुद्दा गर्म है। जिन्होंने ब्रेक लिया है वो भी ब्रेक को तोड़ कर यहां पर आ चुके हैं, बैरिकेड को तोड़ कर। जानी की पुतन का ब्रेक जो है वो शायद खत्म हो चुका है, इसलिए तो वो कल एक ज्ञान की देवी बनकर सामने आई थी, जिनको यही नहीं पता कि बजरंग बाण और हनुमान चालीसा में कितना फर्क है या अंतर है। लेकिन देखो जी, कितनी शांति उसको मिली है, आत्मिक शांति उसको मिली है कि वो बहुत शांत मन से कुछ ऐसी ही बातें बोल गई कि उसके खुद के ही व्यूअर्स जहाँ कह दें सपोर्टर जो है कमेंट सेक्शन में इतनी सारी बातें लिखते हुए नजर आए। आप जब एडिट करते हो अपने एपिसोड को, वहाँ पर कुछ चीज़ें आपको पता लगती हैं कि नहीं ये शायद गलत है, तो वो आपको एडिट कर देनी चाहिए, नहीं ये नहीं मानेंगे, ये तो सब करके ही रहेंगे, इनको तो सारी बातें कहनी है और करनी है और बतानी है। जैसा कि इन्होंने चाची के बारे में भी बता ही दिया कि वो ठीक है, काम करती हैं, तो हम लोग उनको तो जी ऐसे ही कुछ किस्से कहानियाँ सुनाते हुए इनके कमेंट सेक्शन में इनके खुद के ही व्यूअर जो हैं वो सामने आए। तो देखिए आप लोग उनके कमेंट सेक्शन में क्या कुछ ही लिखा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, वो तो सब लोगों ने अपनी अपनी राय जो है वो व्यक्त करनी ही है। हर व्यूअर्स जो कि आप लोगों को देखता है, अपना समय देता है, तो उसके बाद वो अपनी ओपिनियन भी जरूर से रखता है। तो ऐसा ही कुछ इनके एपिसोड में हमें देखने को मिला है, इसलिए ओपिनियन जो है मैं अपनी यहाँ पर YT फैमिली के साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन कुछ कमेंट पर भी मैं बात जरूर से करूँगी। देखिए कमेंट तो मुझे भी आए थे, लेकिन मैं हैरान हूँ, कोई लोग कहते हैं कि डाइवोर्स ले लो, कोई कहते हैं कि पुत्र अब तुम्हें वहाँ जाना नहीं है, उन लालची लोगों में, दहेज के लोभियों में। लेकिन इनके खुद के ही कुछ बहुत ही खास चाहने वाले जो कहते हैं बिल्कुल भी डाइवोर्स नहीं लेना। अब पता नहीं बातें और चीज़ें इतनी बिखर चुकी हैं, इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि कहीं दूर दूर तक भी कोई आसार नहीं बचे हैं। क्योंकि अगर ये लोग कभी एक होना भी चाहते थे, और हम लोग भी कहते थे लास्ट 2 महीने पहले तक भी लग रहा था कि कुछ चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, लेकिन नन्नू को क्रिस्टल क्लियर था कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा। बहुत हो गया, मैंने अपनी बहन और माँ के लिए इतना कुछ सुन लिया, इस उम्र में भी माँ के बारे में सुनने को मिल रहा है। सो अभी तक इसने अपने उनको शटअप कॉल नहीं दी, उनका मुँह बंद नहीं करवाया, उनको ये नहीं बोला कि तुम मेरा घर बसाने के लिए आप आगे आ रहे हो, बातें रख रहे हो, मेरे फेवर में बात कर रहे हो, जाओ फिर यहाँ पर घर कैसे तोड़ा जाता है वो सारी चीज़ें आप बताकर मेरा भी घर खराब कर रहे हो। ये है पुत्तन के कुछ चाहने वाले, है ना। पुत्तन की कुछ बातें और उसका दिमाग, उसकी बॉडी लैंग्वेज कोई मैच नहीं कर रहा। वो कहना क्या चाहती है, सोचती कुछ और है, बताने का तरीका कुछ अलग है। तो यही पुत्र की समय स्थिति है, उसको अकेला रहना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिलहाल वो अकेली ही है। और वहाँ पर बग्गी को भी जो है ना, जानी कि चंपा कली को भी कुछ ऐसे ही कमेंट नज़र आ रहे हैं करते हुए लोग, हम लोगों ने देखा कि वो कहते हैं कि आप ऐसा करिए, आप अपने मायके वालों के घर के पास ही घर ले लीजिए, तो आप शांति से आराम से सुकून से रह सकोगे। कौन है ये लोग, वो सुकून से वहाँ पर भी रहती है। लेकिन मैं अभी यहाँ पर बात कर रही थी कि मेड के बारे में, मेड के बारे में कल भी मैंने ये बात कही थी कि जो पुत्तन है, पुत्तन अपने कज़न्स की हेल्प करती है, तो उन्होंने बोला मुझे कमेंट्स में, आपको कैसे पता कि वो कज़न की हेल्प करती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने कमेंट में ही बताया कि जो लोग शुरू से जुड़े हुए हैं इनके साथ, जहाँ जब इनके शायद 1K भी नहीं हुए होंगे या 2K भी नहीं हुए होंगे, जब से जो लोग जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर जब देखा था कि एक ही कज़न ऐसी हैं खास, जिस जो कि अभी कॉलेज गोइंग गर्ल है ना, तो उसकी काफ़ी ये पुत्तन हेल्प करती थी उस समय भी। लेकिन हाँ, एपिसोड में इतना सब नहीं दिखाते थे, कज़न जरूर से बोल देती थी कि मेरी बहुत हेल्प करती है दीदी, तो हमें पता है उस चीज़ के बारे में। और जी, ये जो गुलाब चंद है, ये भी मना करता था बड़की जिजी को कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है एपिसोड में बताने की कि मैं चाचा फैमिली के लिए क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ,
लेकिन बड़की को तो आदत है ना नंबर बनाने की, सो वो बता देती थी। अब वैसे ही कुछ आदतें इसकी गुलाब चंद की अब हो ही गई हैं आफ्टर मैरिज, चीज़ें बदल जाती हैं, सो बदल गई हैं, देखने का समझने का तरीका भी बदल गया गुलाब चंद का, सो वो भी अब दिखाने लग गया। लेकिन क्या दिखाने लग गया, जो 5 महीने पहले छोटी मोटी हेल्प करी है वो, जहाँ फिर चाचा ने खुद ही इनके घर में लेबर के रूप में काम किया। देखिए काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, काम तो उनको कहीं और भी करना था अंकल को, है ना, तो चलो उन्होंने इनके यहाँ कर लिए, 2 पैसे बन गए, अपने ही घर का काम था, बस ये हो गया। लेकिन अभी ये कहा जाए कि हाउस हेल्पर है, हाउस हेल्पर है, हाउस हेल्पर है, तो ये हाउस हेल्पर जो कोई है वो खुद के इनके अपने ही रिश्ते में है, लेकिन वो और घरों में भी काम करती हैं, ये नहीं कि इनके अपने इनके ही घर का काम करती हैं और ये पे करते हैं जी, उसको उतना ही पे करते हैं जैसे वो और घरों में काम करती है, वैसे इनके घर में काम करती हैं, उसमें रिश्ता नाता वो चीज़ें नहीं है। लेकिन पुतन का कहने का तरीका ये अलग था, गलत था। गुस्से में उस दिन परसों के एक एपिसोड में आप देखिए कैसे बर्तन वो उठा उठा पटक रही हैं, वो बिल्कुल वैसे ही जब बर्तन बहुत ज़्यादा कभी हो जाते हैं ना तो मेड जो है वो करती हैं, बिल्कुल वैसे ठा 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 करके उसने बर्तन करे हैं। तो वो इनके घर की हाउस हेल्पर ही हैं, रिश्ते में जो भी रिश्ता बना हो, वो कहते हैं ना एक बिजनेसमैन जो है वो बिजनेस के समय कहते हैं ना रिश्ते नाते नहीं, तो वही चीज़ है, वो कहती बिजनेस में कोई रिश्ते नाते नहीं, तो जहाँ पर मैं इस समय तुम्हारी हाउस हेल्पर हूँ और तुम मुझे पैसे देने वाले हो, बस इतना ही और ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन इसके अलावा भी ऑफ कैमरा जो है कि इनको कितना उनके लिए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो हम कौन ही होते हैं कहने करने वाले, है ना। लेकिन इनके खुद के ही कमेंट सेक्शन में जी इनके खुद के ही फॉलोअर्स ने वो चीज़ें बोली हैं कि हमारे भी कुछ ऐसे नॉन हैं जो कि काफ़ी गरीब हैं, है ना, लेकिन गरीबी अमीरी जो होती है ना वो किस्मत से ही होती है ना, लेकिन हाँ ये है कि आज नहीं तो कल उनके भी दिन बदलेंगे, तो आज हमें उनकी हेल्प कर देनी चाहिए। तो वो अगर आप इतने कैपेबल हो कि आप उनकी हेल्प कर सकते हो, देखो ये लोग तो इतना कपड़ों पे भी इतना महंगा महंगा खर्चा करते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं तो वो तो कोई रोकेगा नहीं, जाओ घूमने फिरने जाओ, लेकिन आप अगर एक ही बार में 10,000 खर्चा कर देते हो तो उसमें महीने में आप 30,000 से 35,000 खर्च कर देते हो सिर्फ घूमने में, उसे 5,000 का अगर राशन उनके घर डलवा देते हो तो वो कितनी अच्छा एक पुण्य का काम है। अब ऐसे ही तो ज्ञान की देवी बनकर ये इतनी अच्छी अच्छी बातें करती नजर आती है, है ना, तो फिर ज्ञान देना है तो फिर अच्छे वाला दो ना, वो 5,000 का जो राशन उनके यहाँ पर डला होगा उससे कितना अच्छा और दिल को कितना ठंडक मिलेगी, कितना सुकून मिलेगा और पुण्य खाते में वो लिखा भी जाएगा। तो ऐसा हम लोग भी कहते हैं, लेकिन इतना हम लोग भी कर पाते हैं किसी के लिए या नहीं, ये भाई भगवान हमें माफ़ करे, जहाँ हमें इतना बनाए, इतना हमें भी वो करे कि हम भी किसी के लिए कुछ कर सकें, हम देने वालों में हमारा भी नाम हो, लेने वालों में नहीं। तो यही कहना चाहते हैं कि अगर आपके नियर डियर कोई है तो आप उसकी हेल्प ज़रूर करें। पिछले 3 दिनों से मैं ये बात आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करती हूँ कि अगर कोई मेड है जिस या फिर कोई ऐसी गरीबी रेखा के अंदर है जो दायरे से नीचे हैं, जो कि लगता है कि आपको उनके बच्चे आगे पढ़ के ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, आगे बढ़ेंगे, तो आप उनके बच्चों के लिए ज़रूर से कुछ करें, तो ये मैं कहती हूँ। और यहाँ पर एक राशन की बात मैंने कह दी आप लोगों के साथ शेयर करी है ना, कि ये डलवाएं ना डलवाएं, लेकिन वहाँ पंजाब और हिमाचल में कार्ड बना हुआ है राशन कार्ड जिसमें गरीबी दायरे से जो लोग नीचे हैं, है ना, उनको जो गेहूं भी है वो 1 के 2 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाता है, ठीक है। और राशन में वो जो आप लोगों ने देखा होगा गुलाब चंद जो थैला लेकर आया है ना, वो सब राशन दीपू का है ना, वो सब चीज़ें भी इनको मिलती हैं। ओके जी, तो वो उनको भी मिलती होंगी, इनको भी मिलती हैं, उनको भी मिलती हैं। तो ये तो इनका वो जो सिलसिला है वो तो खैर जैसा भी चलता होगा, ऑफ कैमरा चलता होगा, लेकिन ऑन कैमरा भी ये दिखाने से बाज नहीं आते हैं। और उधर बड़की जीजी जो है, उधर जो बड़की जीजी हैं, बड़की जीजी के तो अपने ही रंग रूप हैं, वो निखर कर सामने आ रही हैं सबके सामने, वो सारी बातें चीज़ें लेकर आएंगी, लेकिन उसको भी कमेंट सेक्शन में अच्छे से लिखा जा रहा है कि तुम यहाँ पर सजने संवारने में लगी हुई हो अपनी ही ये मदर इंडिया को, लेकिन दोनों में इतना सब चीज़ें नहीं हो रही हैं कि तुम लोग जाते बैठते कि बड़े सब लोग इकट्ठा होते और बात करते कि चल बेटी मेरे साथ चल, मैं जाकर बात करती हूँ वहाँ पर,
कि कैसे क्या चीज़ें हैं, चीज़ें ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं, इनको तो अपने ही शौक पूरे करने हैं। जिसके शौक पूरे समय होने चाहिए पुत्तन के, उसके शौक तो पूरे नहीं हो रहे। लानते मिल रही हैं, उसको भी मिल रही, परिवार वालों को मिल रही हैं, क्योंकि परिवार ने एक बार कीचड़ स्प्रेड कर दिया है तो वो कीचड़ जो है सिमटने का नाम नहीं ले रहा, वो बहुत बदबू करने लग गया, बहुत गंदगी हो गया, बहुत ही ज़्यादा वाक्य में। तो वहाँ पर ये भी चीज़ें हैं। और दूसरी ओर जो कि जानकी मोटू, मोटू के पिताजी ने कहा था कि चल मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, है ना। हमें कैसे पता, हमें ऐसे पता, ये जुठियंका ने एक एपिसोड बनाया था, उसमें पूरी फैमिली दिखाई थी, पूरी फैमिली का जो वार्तालाप चल रहा था कि उन्होंने बोला कि चल मैं चलता हूँ ना तुम्हारे साथ और मैं जाकर बात करता हूँ उनसे, मैं बसाता हूँ तुम्हारा घर। देखिए यही तो बड़ों का बड़प्पन होता है। बच्चे तो नादानियाँ करते हैं, बच्चे तो गलतियाँ करते हैं, नहीं तो फिर वो बच्चे कहाँ से हुए, है ना। लेकिन बड़ों का जो बड़प्पन होता है वो तो सामने आना चाहिए कि बड़ों ने वो सब चीज़ें करी हैं, दिखाई हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर माता जी भी नहीं रोक सकी इन लड़कियों को और छुटकन्नी को कि तुम ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पर मत दिखाओ, मत बनाओ तमाशा। लेकिन नहीं, इनको तो वो सब चीज़ें करनी है। अपने बड़ों की बातें नहीं मानती तो आगे ससुराल वालों की बातें कहाँ से ही मानी जाएंगी, है ना। अच्छा, ये चीज़ होगी। और दूसरी बात, आप लोगों ने एक चीज़ और नोट की होगी, अभी क्या थी, एक मिनट। हमेशा ही जहाँ पर गुलाब सिंह ने बोला है कि देखिए हमारे को जब कोई चीज़ समझ में नहीं आती, बात समझ में नहीं आती, घर में सबके कोई ना कोई छोटी मोटी बात तो होती रहती, तो उस समय जो है हमारे घर के बड़े जानी कि मोटू और ये जो है मदर इंडिया, यही सारी चीज़ें जो हैं वो सॉल्व करते हैं। लेकिन मदर इंडिया तो भैया अपने सपने जो है पूरे करने में लगी हैं, लेकिन मदर इंडिया को भी कहीं ना कहीं बदनाम किया जा रहा है। देखो माँ तो माँ है, है ना, माँ के लिए तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जब अपने ही बच्चे जो हैं अपनी माता जी को या पिताजी को एक्सपोज करने पर लग जाए तो फिर दुनिया को कहाँ तक मुंह बंद करवाओगे, दुनिया का कहाँ तक कहोगे कि तुम लोग आंखें बंद रखो, कानों से सुनो मत बहरे हो जाओ, जुबान से बोलो मत गूंगे हो जाओ। तो ये दुनिया को आप लोग नहीं रोक सकते हो, ये दुनिया कोई और नहीं है, अपना ही समाज है, अपनी ही सोसाइटी होती है, अपनी ही रिश्तेदारी होती है, नातेदारी होती है। तो जी अभी इस समय जो मोटू को सामने आना चाहिए था ये सब चीज़ें ठीक करने के लिए, जो भी समय हो रही है ननू के साथ और पुत्तन के साथ, लेकिन नहीं, अभी मोटू कहाँ है, मोटू तो गायब ही हो गया, बिल्कुल वैसे जैसे गधे के सर से सिंह, है ना, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, ना ही उसके बारे में कोई बातचीत होती हुई नज़र आती है। तो बड़की जिजी जो है वो तो अपने ही रुतबा दिखाने में लगी हुई है, दाबोस है वो, है या नहीं, लाइट अब आई है, पहले भी लाइट चली गई थी, तो लाइट का भी आना जाना यही है कि जैसे बड़की जिजी के दिमाग की बत्ती कब जग जाती है, कब गुल हो जाती है, कोई पता नहीं लगता, कभी अच्छी बन जाती, कभी वो कहते हैं ना बुरी बन जाती है। अब बुरी तो वो बन ही चुकी हैं, अब बुरी कहती मैं बन चुकी हूँ, कहती बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। तो अभी बदनाम करने में, बदनामी देने में जो सबके सब लग गए हैं, जानी कि चाहे नन्नू है, नन्नू भी तो कम नहीं है, वो भी तो रिप्लाई टू रिप्लाई खेलने लग गया, नन्नू को जरूरत ही नहीं थी ऐसे किसी को रिप्लाई देने की। वही कहते हैं ना जो महादेव के भक्त हैं, है ना, जो भगवान की पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, उन लोगों को कभी किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, वो बैठे ना जवाब देने के लिए। तो यही बात है, मुझे बड़ा ही दुख होता है कि नन्नू की मम्मी के लिए इतनी गंदी बातें जो लोग दुनिया वाले कर रहे हैं, जब कह रहे हैं, तो कितनी गलत बात है। हमेशा से मैं यही कहती आई हूँ कि बहु बेटियों के बारे में गलत बातें ना करो, नहीं कहना चाहिए, सबकी बहु बेटियाँ सांझी होती हैं, लेकिन माएँ माओं के लिए, यार माँ तो माँ होती है ना, उसके लिए आप ऐसे कैसे कोई बोल सकता है। वो भी माँ, वो जिसका पति नहीं है जिंदा और जिसकी ना ही सास जिंदा है ना ही ससुर जिंदा है, जो कहें कि बहुरिया तुम्हारी ये लक्षण थे, तुम वैसी थी चलो निकलो हमारे घर से, है ना। तब तो कोई भी नहीं है, सारी जिंदगी निकल गई उनकी इस घर में, लेकिन कलंक लगना है ना उसके लिए कोई टाइम नहीं होता। ये भी कोई ग्रह नक्षत्र ही खराब होते हैं, ये भी कोई किस्मत ही ऐसी उस समय चल रही होती है कि अभी माथे पर कलंक लगना था तो इस उम्र में भी लग गया। अभी जैसा कि पुतन के कह दें कि मदर इंडिया को भी देख लें, वो तो सरेआम है सबके सामने है, है ना, वो तो सोशल मीडिया पर है, लेकिन ये तो सोशल मीडिया पर भी नहीं है ना, ये तो अपने घर के काम कर लिए, सुकून से पूजा पाठ कर लिया सुकून से, बस यही जिंदगी है ना, दो वक्त की रोटी खानी और ज़्यादा कुछ गुंजाइश भी नहीं है। लेकिन नहीं, बदनामी लगनी है, कलंक लगना है, वो तो लगना ही है, जरूर इन्होंने ना चौथ का चांद देख लिया होगा, मेरे को तो यही लग रहा है, तो तभी तो वो फिर कलंक तो लगता ही है। तो
तो बातें तो बहुत सारी हैं, दिल करता है कहीं आप बार के आप लोगों के साथ दिल खोल के बातें करूं, बहुत सारी बातें करूं कहीं, लेकिन अभी जो मैं देख रही हूं ना तो मेरा खुद का ही मन नहीं करता है कि मैं एपिसोड भी कभी मन करता है बनाऊं कभी ना बनाऊं, क्योंकि कुछ भी अच्छा नहीं दिखा रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं दिखा रहे हैं, ना ही सिखा रहे हैं ना ही समझा रहे हैं। अब तो बच्चों को डर लगने लग गया है, लड़कियों को, कि शादी करनी चाहिए जाने, ठीक है, लेकिन अब तो मेरे को लगता है लड़के भी डरने लग जाएंगे आने वाले समय में, कि ऐसी जो होती है ना लड़की अगर आपकी लाइफ में आ जाए तो आपकी लाइफ जो है ख़राब हो जाती है। लेकिन यहाँ पर लड़कियों का कसूर ज़्यादा नहीं है, मुझे पेरेंट्स का ज़्यादा कसूर लग रहा है, सिबलिंग का ज़्यादा कसूर लग रहा है। वो तो सब चीज़ें आप लोगों ने देखी हैं, सब लोगों के सामने कहानी जो है ना खुले पन्नों कहते हैं ना खुली किताब की तरह है, पुत्तन की कहानी खुली किताब है, ठीक है, सारी की सारी सोशल मीडिया पर है। ब्रेकअप होना कोई बड़ी बात नहीं है आज के ज़माने में, ब्रेकअप भी हो जाता है, शादियां भी टूट जाती हैं, लड़कियां मंडप से उठ जाती हैं, क्योंकि हर किसी की अपनी इच्छा होती है कि मेरे को ये चाहिए। दहेज लोभियों के मुंह पर लात मारती हैं, आजकल की जो नारी है सब पर भारी है, ठीक है, वो उठ जाती हैं, नहीं बैठती हैं, वो फेरों से उठ जाती हैं, बोल देती हैं कि नहीं करनी है भैया हमें शादी, जिससे कि हमारी सारी उम्र माँ बाप जो है वो पिसते रहेंगे। लेकिन पुत्तन के बारे में मुझे बहुत ही कुछ सुनने को, समझने को, देखने को, पढ़ने को मिला है, जो कि कहा जाता है कि पुत्तन के जो इन लॉज थे वो बहुत ही लालची लोग रहे हैं, लालच तो भर भर के उनमें कूट कूट के भरा हुआ था। तो पुत्तन को जी जाते ही पता लग गया था, तो पुत्तन को जब एक बार पुत्तन ने ब्रेक ले लिया था, ससुराल से वो चली गई थी, तो उसको दोबारा आना ही नहीं चाहिए था, एक मौका भी नहीं देना चाहिए था, जब वो ये चीज़ें पहचान गई थी ये लालची लोग हैं। लेकिन दोबारा भी आई और तिवारा भी आने के लिए वो अभी तैयार ही बैठी थी, लेकिन खुद के अपनों ने ही एक बार फिर से सीढ़ी के ऊपर पहुंचा के टांग खींचने, चल नीचे आ, बस बहुत हो गया तो मेरा तुम्हारा, कि तुम बार बार उड़ान भरने के लिए ऊपर पंख फैलाती और हम वापस से तुम्हारे पर कतर कर तुम्हें नीचे बुला लेते हैं। ये खुद के अपने ही सिबलिंग है। औरत तेरी यही कहानी, ये औरत की जहाँ फिर आज के एक मर्द की भी यही कहानी है। आज लड़कियों से ज़्यादा ना मर्द दुखी हैं, वो परेशान है, ठीक है, क्योंकि औरतों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिलने की वजह से तो जो कुछ अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लॉज भी हैं ना, वो कहीं ना कहीं डरे से रहते हैं कि पता नहीं कैसी बहू आएगी। तो मेरे को लगता है कि डरने की कोई बात नहीं है, सब लोग स्टार्टिंग में ही 5-6 महीने में ही पता लग जाता है कोई कैसे हैं। अगर आपका रिश्ता चल सकता है तो चलाइए, नहीं चल सकता तो सोशल मीडिया पर जो लोग हैं तो वो ऑफ कैमरा निपटारा कराएं, अपना अलग अलग रहें, शांति से रहें, सुकून से रहें, है ना। लेकिन सोशल मीडिया पर ये सब चीज़ें मत दिखाएं, क्योंकि अभी जो जनरेशन कोई मैरिज करने वाली है, जो प्रेग्नेंट है कोई लेडीज़, वो बहुत डर गई हैं, है ना। जैसे कि इसने जुठियंका ने भी दिखाया था प्रेगनेंसी के बारे में क्या क्या बताया था, जुठियंका खुद के लिए एक सुई नहीं लगवा सकती तो वो डिलीवरी करवाएंगी, अब आप सोचिए। तो यही वो बातें हैं कि आज की जनरेशन को बहुत ही गलत मैसेज दिया जा रहा है, सिर्फ इनकी ओर से नहीं, बहुत तेरे लोग ऐसे हैं, जैसे कि वड़ा पाव वाली को भी आप लोग देख सकते हो, कॉन्ट्रोवर्सी इतनी क्रिएट कर दी कि खुद की एक एल्बम ही निकलवा दी, अब एल्बम निकली है तो बिग बॉस के लिए भी जाएंगे। तो ये जो कॉन्ट्रोवर्सी का ट्रेंड चला है ना, क्योंकि यूट्यूबर्स के लिए ओपन हो गए हैं बिग बॉस के दरवाजे, है ना, तो ये हर कोई जो है वो वहाँ पर जाना चाहता है और किस लेवल पर गिर कर जाना चाहता है, क्योंकि जितना मैं गिरा हुआ है बंदा जमा नीच बलिए जितना भी वो होगा ना वो वहाँ पर पहुँचेगा। तो यही वो चीज़ें हैं, पहले तो गंद फैलाएंगे, गंदा बोलेंगे, कितनी गंदी से गंदी गालियाँ निकालेंगे, तो ये नेक्स्ट लेवल की जो खेली जा रही ना कॉन्ट्रोवर्सी वो क्रिएट करके व्यूज़ कमाएंगे, पैसा कमाएंगे। अरे किस चीज़ का मतलब, क्या करोगे ये ऐसा पैसा, तो फिर वही बात हो गई, बदनाम बुरा, है ना, जो कि बेचारे मिडिल क्लास हैं वो इज्जत को ही रोते रह जाते हैं। लेकिन आजकल तो कहते हैं लुच्चा सब तो उच्चा, कितनी कहावतें हैं, मैं क्या ही बताऊँ आप लोग। तो यही वो बातें हैं कि अभी तक तो इन लॉज डिवोर्स चल रहा है, कीचर स्प्रेड हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, और हम लोग जो है जो भी एपिसोड देखते हैं उसके तहत ही हम लोग अपना एपिसोड बनाते हैं। नो डाउट
यहाँ पर कोशिश करी है पुत्र ने अपनी ओर से, बड़ा ही पॉजिटिव एपिसोड लाकर रखने के सामने सब लोगों के, कि धार्मिक बनिए, है ना जी, और धार्मिक बनिए और भगवान के उसमें आइए, आप शरण में आइए और सारी चीज़ें भूल जाएं और मन को शांत कर लीजिए, तो जी चमत्कार तो होते हैं। तो ये बिल्कुल होते हैं जो पॉजिटिव सोचते हैं। पुत्तन जो है स्टार्टिंग ही नेगेटिव से करती है, वो पहले नेगेटिविटी फैलाती है उसके बाद पॉजिटिव बात करती है। वो कहती है कि भगवान और क्या ही दर्द दोगे और कितना ही दर्द दे दोगे, सब कुछ तो चला गया और भी चला जाएगा तो कोई फिक्र नहीं है, लेकिन हिम्मत बनाए रखना मेरी। क्या ही बोलती हो बहन, क्या ही जरूरत है इतना सब चीज़ें बोलने की, स्टार्टिंग में तुम ये क्यों नहीं बोलती हो, भगवान बस बहुत हो गया। ठीक है, एक होता है ना कि इम्तिहान लेने का भी वक्त होता है, 2 से 3 घंटे तो हम लोग परीक्षा भी देते हैं इम्तिहान भी देते हैं, है ना, लेकिन एक लिमिट होती है, बस बहुत हो गया अब और नहीं, भगवान मुझे मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ करिए, अब आने वाला समय अच्छा हो, आपकी भक्ति में भी हम लोग रहें, आपकी शरण में हम लोग रहें, तो ऐसा कुछ आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बनाए रखना कि मैं अपना और अपने बच्चे का इज्जत के साथ भरण पोषण कर सकूं। लेकिन नहीं, इसको तो कुछ अलग ही स्प्रेड करना है, सो वो लगी रही है और डायलॉग जो है वो उसको अच्छे से याद नहीं थे, लेकिन हाँ सूट पहनकर उसको करना था ये एपिसोड रेडी, सो उसने कल ही पहन लिया था, एक दिन पहले ही, तो वो एक दिन पहले पहना हुआ सूट जो फिर आज आया कि हाँ अब ज्ञान देने की बारी आई, अब ज्ञान देना जरूरी है। बाहर बड़ी लू चल रही है, सो मैं टंकी के पास नहीं बैठ सकती, अभी जो टंकी है टंकी भी बहुत गर्म है, तो सो अपने घर में ही बैठ कर एसी में ठंडी ठंडी हवा लेते हुए ज्ञान दे देती। सो ये चीज़ें थी। तो चलिए जी, यही था मेरा अभी तक का वीडियो, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेकर तब आऊँगी जब आप लोग मुझे जल्दी जल्दी कमेंट्स लिख दोगे। तो बढ़ती नहीं हूँ, अच्छा जी मैं चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्दी ही आती हूँ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।